अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के साथ ही दोषियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने की यूकेजी ने मांग उठाई है। इसी क्रम में जिला कार्यालय पौड़ी में डीएम को उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा राज्य सरकार पर प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। वही प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री सुरेश चंद्र ज्वाल, जिलाध्यक्ष अर्जुन नेगी समेत कई लोग मौजूद रहे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। हत्याकांड के मामले में भी हमने ज्ञापन दिया है कि सीबीआई जांच की मांग की जाए, मांग की है हमने। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के अर्जुन नेगी जी ने, इन लोगों ने इतना प्रयास किया और एक एक चीज सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए शासन का भी दुरुपयोग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यूकेडी के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपना ज्ञापन का वाचन भी किया गया और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे ज्ञापन प्रेषित। हमने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। हमें इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, नैनीताल हाईकोर्ट में भी लड़ी, सब जगह लड़ी, पर सरकार पूर्ण तरह से उनको बचाने के पक्ष में।